बहुत बढ़िया, बहुत वो फिर बेटा ये बात। ये देखो भाई, हेरिटेज एकदम वाइल्ड हेरिटेज, काई जमी हुई है भाई। 7 भी नहीं बजे, मैं हो गया हूँ रेडी, और नाश्ते में मिल रहा है आज अपने को पराठा और कोल्ड कॉफी। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। भाई सुबह सुबह बुरा हाल हो गया पसीनों से, इतना बुरा हाल हो गया, इतना ह्यूमिड हो रहा है। पिछले 3 वीकेंड्स में कहीं ना कहीं जाना हो रहा है और हर बार हालत खराब हो जाती है। तो आज जा रहे हैं भाई जवाई रणकपुर और गोरम घाट की तरफ जा रहे हैं। विक्रम बना और कुछ और दोस्त हैं, कुछ हमारे जवाई एसडी के दोस्त हैं, अर्जुन भाई है। शेखर को ले रहा हूँ अभी घर से, शेखर को लेने के बाद निकलेंगे और RJ14 पे मीटिंग पॉइंट है। आई होप टाइम पे ही पहुँच जाएँ, क्योंकि लेट तो नहीं है, अभी ऑन टाइम ही है। तो शेखर भाई को ले लिया है ऑन टाइम, बस एक भाई का इंतज़ार है जिनका लास्ट टाइम भी इंतज़ार कर रहे थे, संदीप जी का, आज भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आते हैं हम निकल जाएंगे, शेखर भाई की कॉलोनी में इंतज़ार कर रहे हैं खड़े होकर अभी। तो ये विक्रम बना की गाड़ी मिल गई है भाई, हम लोग थोड़ा सा लेट थे टोल से, पहले अपन एक साथ हो गए हैं और अब निकल गए हैं अजमेर रोड का टॉर्चर सहने के लिए। तो फाइनली विक्रम बना को पकड़ लिया हमने, शेखर भाई हमारे साथ ही थे, अर्जुन भाई हमारे, आपने जावा वाले ब्लॉग में देखे होंगे नहीं अर्जुन भाई, और भाई पहली बार मिले हैं। लोकेश अभी कहीं गया, अच्छा हो रहा है, लोकेश भाई अभी कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रहा है, उसको मिलेगी तो। नाश्ता करने के लिए बैठे भाई, मैं तो घर से खाकर आया हूँ वैसे 2 पराठे, बाकी भाई लोगों को जिनको जो जो खाना होगा वो खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। भाई नाश्ता वगैरह कर लिया है, अब निकल रहे हैं यहाँ से, छाछ पी लिए दवा के, लंच करने के लिए रुकेंगे नहीं, इसलिए घर से खाकर आया था, लेकिन फिर भी एक पराठा खा ही लिया भाई। ये विक्रम बना के लिए RTO ने एक नई सीरीज चालू करी है, RJC, उसके आगे आप जयपुर लिखा लो, जोधपुर लिखा लो, उदयपुर लिखा लो, राजस्थान की कोई भी डिस्ट्रिक्ट लिखवा लो, शुरू में RJC मिल जाएगा। 30 लाख रुपए का स्पेशल नंबर है। संदीप भाई मजा आ रहा है एकदम खतरनाक। तो आज का क्या वो सीन है, मतलब बारिश का? बारिश का मैंने अभी देखा, पहले कहा कि आपको कोई बारिश की आनंद की अनुभूति अगले 3 दिन में नहीं है, नहीं है, मंडे को रहेगी, पर जयपुर में थंडरस्टॉर्म दिखा रहा है। अरे जयपुर तुम छोड़ा है ना भाई, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की बात करो आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है ना कि जयपुर में क्या सीन है। अरे जयपुर तो छोड़ दिया, हमारे को तो बताओ जवाई में रणकपुर में क्या मिलेगा। मैंने पाली का देखा है, पाली में मंडे तक कोई बारिश नहीं, कोई बारिश नहीं है। चलो आज भी अपन उसी में ह्यूमिडिटी में सफर करेंगे, खेलना ही पड़ेगा, क्या करें भाई। बारिश आ गई है और ऐसा ही मौसम बना रहे बारिश का पूरे, उसमें टूर में तो मजा आ जाएगा, नहीं तो भाई ह्यूमिड से परेशान हो जाएंगे। और ये ब्यावर में आते ही मौसम सुहाना हुआ भाई, तभी मैं कहूँ कि मौसम इतना सुहाना क्यों हो रहा है, ब्यावर आ गया ना भाई, ब्यावर से हमारा लगाव ही अलग है, क्या करें भाई। नज़ारे तो आ गए बढ़िया वाले, सामने पहाड़ दिखने लग गए हैं, हरे हरे पहाड़, और मतलब नज़ारा बढ़िया लग रहा है, और सामने ऐसा लग रहा है कि बारिश का फुल मौसम बन रहा है, फुल जाम जा रहे हैं, वहाँ हो जाए तो मजा आ जाए भाई। तो भाई बनाने मेरे को तो नाम दिया है जॉनी सिंस का, नहीं अब आप भाई कौन, आप रोहित हो? हाँ रोनी सिंस, रोनी सिंस है ना, जॉनी सिंस का भाई रोनी सिंस। हाँ तो बना को क्या बोले आप, बना के लिए बताना कमेंट में लिख के कि बना का क्या नाम रखना चाहिए। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। रास्ता जा रहा है रणकपुर, पाली और जोधपुर, धूप निकली हुई है, बस ये एक दिक्कत है, बस धूप चली जाए और थोड़ा मौसम सुहाना हो जाए, हवा चल जाए और बारिश आ जाए तो हो कहना ही क्या, फिर तो और ही मजा आ जाएगा। बाकी देखो व्यूज़ का आनंद लो भाई, क्या शानदार नज़ारे आ गए हैं। एक साइड की रोड पे इन्होंने पूरी रंबल स्ट्रिप बना रखी, क्यों भाई ये समझ नहीं आया, एक साइड की रोड पे पूरी रंबल स्ट्रिप क्यों है? स्लिप ना हो गाड़ी, नहीं नहीं ताकि स्पीड मेंटेन रहे, बंदे दौड़ाए नहीं भाई। ये जगह है देसूरी नाल घाट, मतलब घाट है और साइड में एक नाल बह रही है, छोटी सी पानी की धारा बह रही है, कैमरे में नहीं आएगी क्योंकि बहुत साइड में बैरी और बहुत पतली है, लेकिन भाई बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और अभी हम वहाँ से एक भाई साहब को लेके ना, जज न्यायालय से क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट से, वहाँ से लेके वापस जा रहे हैं, वापस जाके देखते हैं कहाँ पे स्टे का प्रबंध कराया बनाने आज। अभी लेफ्ट साइड में कहीं मुड़ के ऊपर पहाड़ वहाड़ पर जाएंगे, देखते हैं अगर अच्छे नज़ारे हुए तो ड्रोन उड़ाएंगे वहाँ पर। तो भाई अगर ये रास्ता इतना हसीन है तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी, आप सोचो क्या शानदार नज़ारे आ गए हैं। हम वहाँ से लेफ्ट मुड़ गए हैं जहाँ से मुड़ना था, आगे चल रहे हैं विक्रम बना, उनके साथ वो चल रहे हैं कोर्ट वाले भाई साहब, और आगे अभी कहाँ लेकर जाएंगे ये अभी हमारे लिए सस्पेंस है, लेकिन जहाँ भी ले जाएंगे अच्छी जगह ही ले जाएंगे भाई। अभी हम जिस लोकेशन पे पहुँचे ना, अल्टीमेट लोकेशन है, कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, 7-8 आदमी हैं, उसके सिवाय ना आदमी ना आदमी की जात। आप देखो विक्रम में कितनी तेज गाड़ी भगा के लेके गए हैं, दिख रहा नहीं आपको, क्या मिलता है पता नहीं यहाँ क्यों भगा रहे हैं विक्रम, 100%
और हाईवे पे भगानी चाहिए वहाँ भगा रहे हैं, यहाँ भगा रहे हैं, रिस्क 100% है बिल्कुल भी। लेकिन भाई नज़ारे बहुत बढ़िया आ गए, मज़ा आ गया, एकदम आइसोलेटेड प्लेस, एकदम आइसोलेटेड। रेकी करने आए हैं, अगली बार जब आएंगे इवेंट इवेंट के लिए तो भाई साहब पता नहीं क्या ही मचा देंगे। ये भाई सामने आ गई है लवकुश वाटिका, रूपनगर, राजसमंद। लवकुश यहीं पैदा हुए थे क्या? नाम दिया कुछ तो रीज़न होगा, चाहते होंगे। लवकुश वाटिका रूपनगर, ये क्या है, सामान्य परिचय। अच्छा, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ भाई, ठिकाना मतलब ये बना लोगों का ठिकाना ये। भाई इतनी एक्सट्रीम, उसमें ऊपर आने के बाद देखो देखो एक मंदिर देखा है, पूरा गांव है, गांव बसा हुआ है, और मतलब हम बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं, इसकी पीक पर आ गए हैं, जो भी पहाड़ियाँ हैं इसकी पीक पर आ गए हैं। यहाँ पे एक मंदिर आ गया है और यहाँ शायद अब हम रुकेंगे, ये लास्ट पॉइंट आ गया है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो भाई कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, बढ़िया शानदार वो डालेंगे। और ये देखो पीछे का नज़ारा, ये विक्रम बन्ना की गाड़ी, उसके पीछे अपनी, और अपन जहाँ पर आए हैं ये देखो बहुत ही बढ़िया शानदार नज़ारा। ये एक मंदिर है और एकदम पीक के ऊपर अपन आ चुके हैं। भाई लोकेश स्वामी उतर गया वीडियो बनाने के लिए, बन्ना को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, और हम यहाँ से निकल गए हैं। कौन सा लवकुश पार्क था ना ये, और ऊपर लवकुश वाटिका, और ऊपर ये देखो हिरन, शेर, शेर नहीं क्या है वो, भालू, भालू भालू तो है उधर, शेर है क्या है वो, लेपर्ड है, लेपर्ड, ये सब बना रखे हैं। खान साहब भी उतर गए, विक्रम बन्ना ने फिर से एक बार नदी में उतार दी। नदी तो क्या इसमें तो आधा फुट भी पानी नहीं है, मतलब यहाँ उतार दिए, पर क्या पत्थर पड़े बहुत बड़े बड़े, अननेसेसरली कोई पत्थर भिड़े उससे कोई मतलब नहीं है, अपन ने तो इधर ही रोक दिया। ये भाई अपनी गाड़ी खड़ी है, ले लो। ये नदी बह रही है, और ये अपना कुर्सी, और ये अपने भाई शेखर भाई हैं उधर, ले चलो वही आ रहे हैं। एक तो भाई ये वानर सेना ने ना एक कूद कूद के पूरी गाड़ी पर कितने दुनिया भर के बैठ गए है। तो भाई आज की मैगी का सेटअप लग चुका है, बना एकदम तैयार है, हमारे हेड शेफ अभी जलाएंगे, मैगी बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। भाई गैंग वॉर शुरू हो गया, दो गैंग आ गए, एक पेड़ के ऊपर है एक नीचे है, और एरिया का झगड़ा शुरू हो गया दोनों में। तो भाई नहा लिए और सब मज़े काट लिए भाई लोगों ने, मैं नहीं नहाया, और अपन अब निकल रहे हैं यहाँ से होटल के लिए। अभी ताज़ा ताज़ा पैसे लगाए विक्रम बन्ना ने, 2,70,000 रुपये बता रहे हैं, बाकी जितने भी लगे हों, लेकिन फिर वापस से घुसा दी गाड़ी पानी में। जान दो पीछे, बहुत बढ़िया, बहुत वो फिर भिड़ा है, ये बात, ये देखो यहाँ पे गाड़ी भिड़ रही है इस पत्थर के ऊपर, और अगर उधर काटेंगे तो वो वाला पत्थर भिड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, हमारे लोकेश भाई कह रहे हैं इनके ऊपर से ले आओ, ये तीन पत्थरों के ऊपर से, बहुत बढ़िया, जय बात। आन दो आगे, बहुत बड़ा पत्थर है, ये भाई साहब पत्थर है, तो भाई सारे लोग नेविगेट कर रहे हैं, और ये भाई जान दो, ये बात अब निकल गई है, अब आन दो ये निकल गई। तो विक्रम बना अभी ताजा तो आए हो खून करके पैसों का। भाई कहाँ जाऊँ वॉशरूम, ये भी वुमेन आदमियों के लिए तो जगह ही नहीं है, अब और कोई नहीं है भाई। अच्छा जेंट्स का बाहर है भाई, कहाँ है, आदमियों की तो बिल्कुल ही औकात ही खत्म कर दी इन्होंने साला।
भाई घाणे राव की गलियों में घुस के और होटल की तरफ जा रहे हैं, कौन सी हेरिटेज प्रॉपर्टी है देखते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है आगे गलियां पतली होती जा रही हैं और आगे ट्रैफिक फंस गया तो हवाई जहाज लेके अपन कहाँ घूमेंगे बना भी पता नहीं कहाँ घुसा लाए। तो भाई अभी हम आए घाणे राव की एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में। यहाँ पे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गांव वाले घर थे ना भाई, वैसे ही किवाड़ विवाड़ सेम ऐसे सही है। ओहो यहाँ तो भाले भूले भी हैं और ये कवच भी। भाई अगर भाई चांस रात को युद्ध हो जाए भाई अपना युद्ध हो जाए अपन लोगों का आपस में तो अपने पास पता होना चाहिए कि कहाँ कवच है कहाँ क्या है। वाह भाई वाह। रूम नंबर थ्री राजा नंबर वन। ये घुसते ही एक ड्राइंग डाइनिंग, उसके बाद ये कमरा। ये तो भाई कमरा मतलब एक्चुअली हेरिटेज है और इसमें ये झरोकों से हम लोग बाहर का व्यू देख सकते हैं। ये देखो तोप वाले गोले हैं और ये याद रखने पड़ते हैं, ये जहाँ रखे हैं वहीं से रास्ता है। अभी हम भटक गए थे, हम चले गए थे उस तरफ। भाई ये तो प्रॉपर्टी समझ आई नहीं, यहाँ से निकल रहे हैं अब कुछ और देखते हैं। बना का हो गया, गाड़ी का एसी बंद, अब वो पाइप फटी है एसी की या क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन उनका एसी काम करना बंद हो गया फिलहाल। तो भाई स्टे हमने फाइनल कर लिया है, क्या नाम था इसका, रनकपुर हिल रिजॉर्ट। रनकपुर हिल रिजॉर्ट में है तो ये भी बिल्कुल हेरिटेज प्रॉपर्टी टाइप ही, लेकिन ये बाहर बाहर से हेरिटेज है, भीतर से हमें चाहिए भी नहीं थी भाई हेरिटेज। रात को कोई भूत भात आ जाए क्या बहन, तो कहाँ भागते फिरेंगे ना। तो भाई माहौल बना दिया पूरा शेखर भाई ने, गाने वाने लगा के फुल माहौल सेट है। और भाई ये होटल दिखाएंगे आपको सुबह, क्योंकि अभी रात को क्या पूरा व्यू आएगा नहीं, सुबह दिखाएंगे ढंग से। तो भाई खाना वाना खाने आ गए हैं डिनर करने के लिए, और लोकेश भाई पहले ही आ चुके हैं। लोकेश ने अरे खाली प्लेट लेके क्या बैठे हो यार। तो भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।